हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आने वाली कुछ स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद है ना नेटफ्लिक्स पे आने वाली हार्ट ऑफ ब्लड इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले। और इस वेब सीरीज की खास बात है कि इसे शाहरुख खान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक स्पाई थ्रिलिंग वेब सीरीज होने वाली है। और हाल फिलहाल में हमने फैमिली मैन जैसी शानदार लाजवाब गजब मतलब मास्टर पीस एक वेब सीरीज देखी है द फैमिली मैन मनोज वाजपेयी की, तो उससे क्यों ना पार्ट ऑफ ब्लड और द फैमिली बीच में जो दिन बचते हैं उसमें क्यों ना कुछ अलग तरीके की वेब सीरीज जिसमें स्पाई और थ्रिलिंग सब कुछ देखने मिले। तो यार कुछ वेब सीरीज का कलेक्शन मैंने लाया जो आपको नेटफ्लिक्स से मिल जाएगी। हाँ, इसमें से कुछ आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। तो कौन सी वेब सीरीज है, क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो में देखो। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहली वेब सीरीज है द स्पाई। ये एक फ्रेंच मिनी सीरीज है जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। इस वेब सीरीज के लीड रोल में साचा बैरन कोहिन नजर आते हैं एज इजरायली इंटेलिजेंस मसूद के एजेंट के रूल में, जिसे 96 के दौर में सीरिया भेजा जाता है एक अंडरकवर मिशन पर। फिर वहाँ उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज में तकरीबन 6 एपिसोड से हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के बहुत अच्छी रोचक और रोमांच से भरपूर ये वेब सीरीज है। मुझे पर्सनली ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोग को भी ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी कि ये वेब सीरीज कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुई है। ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वेब सीरीज है ट्रेटर। ये भी शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर शोज में से एक है। इसका अभी सीजन 1 रिलीज हुआ है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। कहानी की बात करें तो ये सेट है 1945 लंदन में। एक यंग लेडी जो एक अमेरिकन स्पाई के लिए काम करती है, उसको किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में जासूसी कर रहे एक रशियन स्पाई को ढूंढना है। क्या वो उस रशियन स्पाई को ढूंढ लेगी, ये आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इसमें लीड रोल में हमें नजर आती है एमा एफलेटन, केली हैवेस, ल्यूक ट्रेडवे, माइकल सुडीबर्ग। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने राजी मूवी देखी थी, हमारी इंडियन बॉलीवुड फिल्म राजी, तो आप लोगों को ये शो ट्रेडर भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। शायद आपको राजी फिल्म से भी ज्यादा पसंद है। और ये वन ऑफ दी बेस्ट शोज आपको जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तीसरी वेब सीरीज है फौजा। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। कहानी की बात करें तो इसमें एक रिटायर्ड इजराइल डिफेंस फोर्स ऑफिसर है जिसका नाम है डोरैन। उसके पता चलता है कि उसका एक दुश्मन जिसे उसे लगता है कि उसने मार दिया, लेकिन वो जिंदा रहता है, तो वो उसे दोबारा मारने के लिए एक प्लान बनाता है। तो क्या उसका प्लान कामयाब होता है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। इस शो ने काफी एकेडमी इजरायली अवार्ड भी जीते और ये बेस्ट इंटरनेशनल शो के लिए भी नॉमिनेट हो चुका है। इसमें लीड रोल में हमें नजर आते लायर रॉयस। चौथी वेब सीरीज है बॉडीगार्ड। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसकी कहानी शुरू होती है डेविड बुट से, जो एक बड़े टेररिस्ट अटैक से शहर को बचाते हैं, पर अब उन्हें होम सेक्रेटरी जूलिया मोंटिक को प्रोटेक्ट करने का काम सौंपा जाता है। लेकिन डेविड के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। क्या वो होम से जा पाता है एक बड़े खतरे से, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इस वेब सीरीज को भी काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। और अगर इस वेब सीरीज का यानी कि बॉडीगार्ड का सिर्फ ट्रेलर ही देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कितनी बेहतरीन वेब सीरीज है। पर्सनली ये शो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस शो को शेयर किया जाए। फाइनल वेब सीरीज है लंदन स्पाई। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन सीरीज है। शुरू होती है दो लोगों से, डैनी और एलेक्स, जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन एलेक्स अचानक गायब हो जाता है, तब डैनी को एलेक्स की डेड बॉडी मिलती है। डैनी डिसाइड करता है किसी भी तरह से एलेक्स की मौत का राज वो जानकर रहेगा। ये बहुत रोचक वेब सीरीज है। मेरे हिसाब से ये आज तक की नेटफ्लिक्स पर एक अलग लेवल की स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज है। जो आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पर देखोगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलिंग वेब सीरीज, क्योंकि इसमें जो जो सीन्स है इतनी रोचक और इतना एक गजब का ट्विस्ट है कि मैं आप लोग अगर अभी बता दूंगा तो आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ वेब सीरीज जो मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो बार्ड ऑफ ब्लड से रिलीज होने से पहले अगर आप लोग ये वेब सीरीज देख लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बार्ड ऑफ ब्लड यानी कि इमरान हाशमी की हमारी इंडियन वेब सीरीज रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स पर, जिसको प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान ने। तो देखना है कि वो वेब सीरीज में हमें क्या कुछ अलग देखने को मिलता है। तो वो वेब सीरीज देखने पहले अगर आप लोग ये वेब सीरीज देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर जरूर देख सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।